राक्षस मूवी और वैलेंटाइन वीक जो चालू है आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि शरद ने कहा कि राक्षस को भी प्यार करने का हक है भाई, मतलब ऐसा नहीं है, हक नहीं है। कौन से राक्षस की बीवी नहीं होती, सबकी होती है, सबकी सबकी पार्टनर होती है। वैलेंटाइंस डे के थीम पर हमारी ये राक्षस आ रही है जो कि एक फैमिली फिल्म है, तो इवेंचुअली हम लोग यही कह रहे हैं कि प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो अपने फैमिली से, प्यार करो। फैमिली के जो सबसे बुजुर्ग मेंबर हैं हम, पिताजी ही गोज मिसिंग एंड उनको ढूंढने के लिए बेटी और माताजी और बेटी जी कैसे जाते हैं और क्या क्या होता है उनके साथ इस राक्षस। सो वी आर वेरी हैप्पी कि वैलेंटाइंस डे है और हमारी फिल्म भी आ रही है जिसका नाम राक्षस है। यार प्यार तो हर लोग, प्यार की बातें हर आदमी करता है यार, लव ऑफ गॉड हर आदमी बात करता है, राक्षस ऑफ लव भी कोई बात करे। जी मेरा नाम अविनाश है फिल्म के अंदर, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जो कि जंगलों में जाता है, वहाँ उनके लोगों के ऊपर, जंगलों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है और कैसे वो एक दिन मिसिंग हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उनकी पत्नी यानी ईरावती और मेरी बेटी अरण्या अरु ये ढूंढने जाते हैं और कैसे वो अपने फादर को ढूंढती है, बेटी, और कैसे ये अपने हस्बैंड को ढूंढती है, ये कहानी है राक्षस की और वो कौन राक्षस है जिसने अविनाश को गायब किया है। ईरावती एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और आज की मदर है, कंटेम्प्रेरी मदर कह सकते हैं आप, और हाँ एक अलग माँ का किरदार मैंने इसके पहले भी निभाया है पर ये स्ट्रॉन्गर कंटेम्प्रेरी माँ निभाते हुए बहुत ही मजा आया। अब तक की जितने मराठी मूवीज है ऑडियंस एक एक्सेप्ट करती कंटेंट, तो इसमें कंटेंट क्या है इसके मतलब? हम देते ही कंटेंट इसलिए एक्सेप्ट करती है कंटेंट, वैसे इसमें क्या लगे, इसमें भी कंटेंट अच्छा है प्लस कितना प्रेशर रहता है देखा जाए तो फिर, क्योंकि यार फिल्म दिल से बनाई जाती है, प्रेशर से नहीं बनती दिल कभी फिल्म में कभी, तो दिल से बनाई फिल्म है, अच्छी कहानी है, अच्छी तरह से शूट की हुई है, कंटेंट बहुत बढ़िया है, अलग कंटेंट है, फैंटेसी थ्रिलर है जो पहली बार है। हाँ, फैंटेसी थ्रिलर ये जॉनरा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है मराठी सिनेमा में और हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें बेहद खुशी है कि अगली बार अगर किसी को ये जॉनरा एक्सप्लोर करना है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को, तो उनके सामने एक एग्जांपल रहेगा कि बेंचमार्क रहेगा कि इससे अच्छी बनाएंगे, कि ये अलग जॉनरा की फिल्म भी है और इसको कमर्शियल वायबिलिटी भी है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम पहले हैं जो इस जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस मूवी को चूज करने के पीछे कोई खास वजह जो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट और टाइटल और शरद, ये तीन चीज़ें मेरे लिए नहीं, आई थिंक बेसिकली कहानी है फिल्म की, एक स्क्रिप्ट जो होती है ना वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जान होती है किसी फिल्म की, वो तो अगर कहानी अच्छी है फिर आप उसमें क्या कौन सा पात्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है, वो उतना मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से। तो किसी भी अच्छी फिल्म का हिस्सा होना ही, चाहे आप एक्टर हों, चाहे आप टेक्निकल टीम में हों, चाहे आप किसी भी टीम में हो, बहुत ज़रूरी होता है और आपकी प्रोफाइल में एड ऑन होता है, तो आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ राक्षस। अच्छा आपने सवाल सोचा कि नहीं यार ये राक्षस नाम क्यों है, सोचा ना आपने, फिर आपने सोचा कि यार राक्षस नाम है तो राक्षस कौन है, अरे तो नाम ही इतना अच्छा है यार जिसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो फिल्म तो इंटरेस्टिंग होगी। ये भी है कि हॉरर मूवी नहीं है, नहीं रिलेट करेंगे क्योंकि ये एक फैमिली की फिल्म है, तो जब आप अपनी इसमें बच्ची है, माँ है, पापा हैं, तो एक पूरी फैमिली की फिल्म क्यों नहीं रिलेट कर पाएंगे लोग, 100% कर पाएंगे, और भले ही जॉनरा डिफरेंट हो लेकिन फिल्म में कहानी एक फैमिली के अराउंड ही घूमती है, सो आई थिंक बिल्कुल ही रिलेट कर पाएंगे। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, आप लोग से पूछना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मायने क्या आपके लाइफ में, दोनों के लाइफ सभी तो पूछते क्या प्लान है, क्या है मायने, क्या इसके बारे में, उम्र के साथ मायने बदल रहे इतना तो कह सकते हैं हम लोग बिल्कुल श्योरिटी के साथ, मतलब 17 साल में तो मतलब समझ सकते हैं क्या विचार होंगे मन के अंदर और आज कुछ और ही विचार होते हैं, पर ये है कि आप जिसे भी प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा होती है हमेशा उस दिन, कि यार हम भले ही इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, एक दिन तो निकाल सकते हैं किसी अपने अपने को प्यार करने वाले के लिए या जिससे आप प्यार करते हैं, तो यही है कि एक वो दिन मिलता है जहाँ आप कुछ स्पेशल करते हैं किसी के लिए। डिटो ही बोलना चाहूँगी क्योंकि हाँ ये दिन है, इजहार का दिन है, तो आप एक किसी को बोल दो कि आप हो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा ही लगता है इंसान, बट ये कि इजहार करें, बट ये उम्मीद बिल्कुल ना करें, अगर आपकी शादी नहीं हुई है या कोई आपके लाइफ में नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो हाँ ही बोलेगी या बोलेगा, ना बोले तो भी कोई बात नहीं, बाजू में दूसरी लड़की खड़ी है, दूसरा लड़का खड़ा हुआ है।
हाँ जी नाम लो ना बाहुबली में आवाज़ दी है। हाँ यार ऑब्वियसली पहला पार्ट जब किया था तब बहुत स्ट्रेसफुल था बिकॉज इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतनी बड़ी फिल्म है, गलती ना हो कहीं, और क्योंकि वो पहली बार मैं किसी तेलुगु फिल्म को डब कर रहा था तो वो लिप सिंक मैच करना बहुत मुश्किल होता है लाइंस के हिसाब से। बट पहली फिल्म के बाद प्रेशर काफ़ी हट गया था क्योंकि पिक्चर बड़ी हुई थी, लेकिन फिर एक नया प्रेशर था थोड़ा सा कि इतनी बड़ी हिट हुई है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इतना सस्पेंस है फिल्म को लेके, तो अपना काम भी उतना ही अच्छा, उतने लेवल पे बढ़िया होना चाहिए। बट हाँ तकलीफ सेकेंड पार्ट में उतनी नहीं हुई बिकॉज किरदार जानता था क्या है, कैसे बिहेव करता है कैसे, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था तो थोड़ा सा आसान था सेकेंड पार्ट, बट मज़ा भी बहुत आया करने में। पद्मावत में रिएक्शन चाहिए हिस्टोरिकल वो भी थी, ये भी पद्मावत की जैसा कि सोना ने निंदा भी एक तरह से ली जाए तो उन्होंने कहा मूवी के बारे में बहुत कुछ कहा, नहीं हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार, वो किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। अगर ग्लास अगर आधा भरा है तो उसको लोग आधा भरा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली है, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या कहता है। स्वरा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे फिल्म अच्छी लगी, मैं देखने गया, मैं इंटरटेन हुआ और मैं वापस आ गया, फिल्म देख के अच्छी लगी, मैंने एक मैसेज कर दिया बंसाली सर को कि मुझे फिल्म अच्छी लगी, और क्या करूँगा उससे। मैं फिल्म देखने गया हूँ इंटरटेनमेंट के लिए, अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं फिल्म देखने थोड़ा जाऊंगा इसी पढ़ने के लिए। सही आपसे जानना चाहेंगे पैडमैन जो वो मुझसे रिलेटेड फिल्म है, मुझसे ही पूछो, मैंने कल देखी है पिक्चर। तो क्या कहना चाहेंगे पैडमैन के बारे में आप, उसके कंटेंट के बारे में? मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस, एक कॉन्वर्सेशन यू नो इनिशिएट हुआ है पैडमैन की वजह से, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने फिल्म अभी तक देखी नहीं है पर आई एम श्योर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, राधिका है उसमें, मृण्मयी है, तो आई एम वेरी कीन टू वॉच द फिल्म। लेकिन उसका बस जिस तरह से है आई एम श्योर उसमें एक बहुत गहरा सोशल मैसेज भी होगा, मैं ये चाह रही हूँ कि हो। और बिकॉज ऑफ पैडमैन देर इज़ नाउ डायलॉग बिटवीन पीपल, बिटवीन गर्ल्स, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन आई थिंक। यार मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म मैंने देखी, बहुत सिंपल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अभी ये जैसा सही ने कहा कि लोग अब बात कर सकते हैं ओपनली, हम तो करते ही थे बात, बट अभी एक नॉर्मल इंसान या कोई भी आदमी बात कर सकता है पैड्स के बारे में। फिल्म टैक्स फ्री हो चाहे नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन पैड ज़रूर टैक्स फ्री होना चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट साहब रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इसको तो आप कम से कम टैक्स फ्री कर सकते हैं। और मुझे खुशी ये एक लड़का बोल रहा है। एक नंबर जो इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं मिस्टर समित कक्कड़, उनकी स्क्रिप्ट है और वो डायरेक्ट करने वाले हैं। आई थिंक इतना कह सकता हूँ कि ये मराठी लैंग्वेज की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी, ऐसा एक्शन कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने, और अच्छी कहानी है, इंटरटेनिंग रोमांटिक थ्रिलर है, तो देखने में मज़ा आएगा, आप देखिएगा ज़रूर। शूटिंग अभी हुई नहीं है, शूटिंग शुरू होने वाली है, कुछ उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं मुझसे एक्शन से रिलेटेड, तो वो मुझे कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी खुद के अंदर, तो वो चल रहा है काम उस पर, बट आई थिंक इन अ मंथ एंड हाफ विल गो ऑन फ्लोर। एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स के लिए अपने फिल्म के, यही है कि आपने अच्छे लोगों को बहुत प्यार दिया है, राक्षस को भी प्यार दीजिए, ज़रूर देखने जाइए 23 फरवरी को आपके नज़दीकी और दूर के भी सिनेमाघरों में। और अगर आपको मराठी नहीं आती है तो हमारी सबटाइटल्स हैं, फैमिली की फिल्म है, बार बार कहूंगा हॉरर फिल्म नहीं है, फैमिली की फिल्म है, फैमिली के बारे में है, फैमिली के लिए है और आपके लिए बनाई है, प्लीज आकर देखिए। थैंक यू।